हेलो नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों, आप देख रहे हैं आप ही का अपना प्यारे विद पीसी यूट्यूब चैनल और मैं आपका साथ ही आपका दोस्त देव प्रीतम। प्यारे किसान भाइयों, मेरी फसल मेरा बेरा यानी फसल पंजीकरण हरियाणा की जो वेबसाइट है उस पर आपको सरसों और गेहूं की फसल वेरिफिकेशन में अगर कोई दिक्कत देखने को मिल रही थी, आपकी फसल वेरीफाई नहीं हुई थी या फिर आपके सामने कोई समस्या आ रही थी, उन सभी समस्याओं का समाधान हो गया है। फसल वेरिफिकेशन से संबंधित बड़ी खुशखबरी, बड़ी अपडेट आ गई है। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो को शुरू करते हैं और जो फसल वेरिफिकेशन को लेकर बड़ी अपडेट, बड़ी खुशखबरी आई है उसके बारे में देते हैं आपको संपूर्ण जानकारी। तो चलिए किसान भाइयों, वेबसाइट पर ही चलकर देख लेते हैं। तो किसान भाइयों, यहां पर आप देख सकते हैं इस किसान भाई की जो सरसों की और गेहूं की फसल आपके सामने दिख रही है, इसकी पहले पूरी ये वेरीफाइड नहीं थी। यानी कि अब जो सरसों की फसल यहां पर आपको देखने को मिल रही है वो पहले केवल इसकी 8 क्विंटल 1 किले की ही वेरीफाई थी, क्योंकि किसान भाइयों, इस किसान भाई का जो यह सरसों का किला है ये वेरीफाई नहीं हुआ था, लेकिन ये जो नीचे वाले किले हैं ये वेरीफाई हो गए थे। यहां पर आप देख सकते हैं ये जो नंबर हैं ये दोनों 19 मार्च को वेरीफाई हो गए थे, लेकिन ये 6 अप्रैल को वेरीफाई किया गया है और इसका जो रिकॉर्ड है वो आज सुबह-सुबह ही रिकॉर्ड में दिखना शुरू हुआ है। यहां पर आप देख सकते हैं अब यहां पर इसका जो कंप्लीट रिकॉर्ड है सरसों का वो यहां पर देखने को मिल रहा है, लेकिन कल तक केवल 8 क्विंटल ही यहां पर इसकी सरसों वेरीफाई दिख रही थी। अब इस प्रकार की अगर आपकी समस्या थी, यानी यहां पर अगर आपको नोट अलॉटेड लिखा हुआ आ रहा था या फिर आप जब फसल पंजीकरण प्रिंट निकाल रहे थे वहां पर आपको इस प्रकार लाइन दिख रही थी, तो आपकी जो समस्या है उसका समाधान हो चुका है। आपकी फसल वेरिफिकेशन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर दी गई है। अब यहां पर जब आप देखेंगे तो यहां पर कितने क्विंटल आप मंडी में फसल बेच सकते हैं वो कंप्लीट यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी, और जो भी फसल आपने ऑनलाइन की थी उसकी वेरिफिकेशन आपकी कंप्लीट हो गई होगी। तो किसान भाइयों, यही जानकारी आपको देनी थी, क्योंकि इससे संबंधित आपकी बहुत ज्यादा कमेंट आ रही थी, आपके सामने बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी, क्योंकि आपने जो फसल अपने खेत में उगा रखी है वो पूरी पास नहीं हुई थी, फिर आप मंडी में कैसे बेच सकते थे। तो अब आपकी जो फसल है वो वेरीफाई हो चुकी है, अब आप बिल्कुल आसानी से अपनी फसल को मंडी में बेच सकते हैं, किसी भी समस्या का आपको सामना करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। किसान भाइयों, जो मैंने अब आपको स्टेटस दिखाया है वो अगर आप खुद अपना स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो उससे संबंधित पहले से मैंने वीडियो बना रखी है कि आप अपनी फसल वेरिफिकेशन का स्टेटस चेक कैसे कर सकते हैं, उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो धन्यवाद किसान भाइयों, यही जानकारी आपको देनी थी। अगर जानकारी में आपको कोई कमी लगी हो तो उसके लिए मैं दिल से माफी चाहता हूं, आगे से आपको और भी अच्छी और बेहतरीन वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी। किसान भाइयों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा लेना ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसका मैसेज या नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए, हर वीडियो को आप देख पाए, कोई भी नई और अच्छी जानकारी आपसे मिस न हो। तो धन्यवाद किसान भाइयों, जय जय भारत, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद मेरे प्यारे किसान भाइयों।